भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि केवल भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सभी राजनीतिक दल प्रत्येक दिन पिछड़े और शेड्यूल कास्ट पर चर्चा करते हैं, सामान्य वर्ग पर कोई भी चर्चा नहीं करता। केवल भारतीय जनता पार्टी ने सामान्य वर्ग के व गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को 10% का आरक्षण देकर सामान्य वर्ग का भाजपा ने सम्मान किया। भाजपा सामान्य वर्ग की चिंता करती है। उन्होंने कहा कि 2024 की विपक्ष पूरी तौर पर प्रधानमंत्री की खोज के साथ कर रहा है, वह सपने देख रहा है। 2024 का चुनाव इस प्रकार होने वाला है कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की जो लोकसभा में सदस्यों की संख्या है वह और एनडीए की संख्या उससे अधिक होकर के 2024 में सरकार बनाने वाले हैं। इस तरह कोई प्रधानमंत्री का ख्वाब देखता है, उसके विषय में सोचता है, वह अपना भी परिहास करता है और विपक्ष का तो पूरी तरह परिहास हो ही रहा है। सामान्य वर्ग के प्रति लोगों के जिस प्रकार से अन्य राजनीतिक दल उपेक्षा का भाव रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों के हितों के बारे में सोचती है, इसलिए हम पिछले बार से ज्यादा सीटों से चुनाव जीतेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, ये पहली बात तो ये कि मेरे राज्यसभा के 6 वर्ष के कार्यकाल पूरा हुए हैं और जब भी मेरा कोई कार्यकाल पूरा होता रहा तो एक संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपने नेतृत्व को इसके लिए धन्यवाद देता रहा हूँ। तो आज मैं अपने तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को, जिन्होंने हमें सांसद के रूप में उस समय चयनित करके के बनवाया था, और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने मुझे अपने साथ एक मंत्री के रूप में अवसर दिया था, मैं इन दोनों को और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि पहले भी करता रहा तो आज उसी क्रम में मैंने ये किया है। दूसरी बात यह है कि इस समय 2024 की तैयारी विपक्ष पूरी तौर पर प्रधानमंत्री की खोज के साथ कर रहा है कि कौन 2024 में शिकस्त देकर के भारतीय जनता पार्टी को, श्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री होगा। अभी उनका कोई प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी नहीं आया है, फिर भी हाथ पांव सभी मार रहे हैं। मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि 2024 का चुनाव इस प्रकार का होने वाला है कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की जो लोकसभा में सदस्य संख्या है वह और एनडीए की संख्या उससे अधिक होकर के हम सरकार बनाने वाले हैं। इस तरह अगर कोई प्रधानमंत्री का ख्वाब देखता है, उसके विषय में सोचता है, तो मुझे लगता है कि अपना भी प्रयास करता है और विपक्ष का प्रयास तो पूरी तौर पर हो ही रहा है। एक तीसरा विषय जो निश्चित रूप से हम ये कहना चाहते हैं कि राजनीतिक दल केवल भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके सभी राजनीतिक दल प्रत्येक दिन पिछड़े और शेड्यूल कास्ट पर चर्चा करते हैं, सामान्य वर्ग पर कोई भी चर्चा नहीं करता है। केवल भारतीय जनता पार्टी ने सामान्य वर्ग के ईडब्ल्यूएस के लोगों को, गरीबी के रेखा नीचे के लोगों को 10% का आरक्षण देकर के सामान्य वर्ग का सम्मान किया। मैं आज अपील सामान्य वर्ग के लोगों से भी करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान दिया है, तो ऐसे सभी राजनीतिक दलों को जो सामान्य वर्ग को पूरी तौर पर निरीह समझते हैं, आगे बढ़कर के अपनी तलाश सामान्य वर्ग के लोगों को करनी चाहिए।
राजनीतिक मुकाम करनी चाहिए और जो उनके लिए कार्य कर रहा है निश्चित ही उसको अगर बढ़ाने की बात आएगी, जैसा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में हुआ था, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रबुद्ध समाज के लोगों से संपर्क स्थापित करने के लिए हम लोगों का लगाया था, पूरे प्रदेश में हम लोग लगे थे और 99% ये कह सकते हैं 98-99% तक ऐसे वर्गों का वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया था। इस नाते मैं अब पूरी तौर पर सामान्य वर्ग के लोगों को भी इस बात के लिए सतर्क भी करने आया हूँ, निवेदन भी करने आया हूँ और उनको ये कहने आया हूँ कि आप अपनी शक्ति को पहचान करके ऐसे सभी लोग जो आपको कहीं न कहीं नेपथ्य में ले जाना चाहते हैं अपने निर्णयों के द्वारा उनको बताने का कार्य करें। ये तीन विषय आज के निश्चित रूप से थे जिसको हमको आप लोगों के समक्ष रखना था। 2024 का चुनाव, ये अपने नेतृत्व को धन्यवाद और सामान्य वर्ग के लोगों के प्रति जिस प्रकार से अन्य राजनीतिक दल उपेक्षा का भाव रखते हैं, उनको भी इस बात को कहना चेतावनी कि सामान्य वर्ग कोई निरीह नहीं है, बल्कि वह पूरी तौर पर आगे बढ़कर के कार्य करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से उसको सम्मान दिया है, उस सम्मान को देखते हुए उन लोगों को समय पर हाशिए पर ला करके खड़ा करेगा। सामान्य वर्ग सरकार से नाराज नहीं है, मैंने पहले ही कहा है कि केवल भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने 10% का आरक्षण सामान्य वर्ग को भी देने का काम किया और इस नाते सामान्य वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा और अन्य लोगों को सबक सिखाएगा। मेरा यह मानना है कि जो सूची ईडब्ल्यूएस की बनी थी वह एक गणना के आधार पर समाजवादी पार्टी के समय में बनी थी जब उसकी सरकार थी, अब उसको पुनरुच्छित किया जाना चाहिए और सामान्य वर्ग के ईडब्ल्यूएस के लोगों को भी प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देना चाहिए। मुझे लगता है कि हम सरकार इससे अधिक बहुमत लेकर के बनाने की तैयारी कर रहे हैं और कांग्रेस अपने को बचाने की तैयारी कर रही है। क्या हल्लाबोल कार्यक्रम से आज दिल्ली में जिस तरीके से सैलाब हो रहा है उससे कोई फर्क पड़ेगा? सैलाब तो नहीं है, हल्ला बोल जरूर है। अब उनके हल्ला बोल ही रह गया है, उनके साथ का जो सैलाब था वो खत्म हो गया है और पूरा का पूरा सब भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया है। हम ये समझते हैं कि कांग्रेस अपने और आज के समय का मिलान करेगी तो निश्चित रूप से वही मौकी खाएगी। अब देखिए, ये तो समय आता है, बहुत से लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं और उस समय की परिस्थितियों को देखने के बाद लगेगा कि किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए, तब उसका निर्णय किया जाए। अब देखिए, बहुत सतही सवाल है और वास्तव में अभी इसकी कुछ हमको कोई जानकारी भी नहीं है। नाम इत्यादि तो बदले जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन फिलहाल इस सवाल की जानकारी अभी मैं इस नाते नहीं दे सकूँ, मुझे जानकारी है नहीं।